अहरौला पुलिस की मेहनत लाई रंग, चोरी का हुआ पर्दाफाश। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने में महीनों से हो रही लगातार चोरियों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बीते दिनों अहरौला बाजार के पवन कुमार अग्रहरी की दुकान में सेंध लगाकर चोरी के मामले सामने आए थे। इन चोरियों का खुलासा करने में पुलिस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिले में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में भय व्याप्त हो गया था, लेकिन अहरौला पुलिस की कोशिश रंग लाई है और शातिर चोरों को धर दबोचा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात 10 बजे अहरौला थाना अध्यक्ष संजय सिंह अपने हमराही एसआई राजीव सिंह, एसआई प्रभात पाठक आदि के साथ अहरौला से अतरौलिया रोड पर स्थित गौरी पुलिया पर जांच पड़ताल कर रहे थे, जहां संदिग्ध रूप में तीन व्यक्ति बाइक पर सवार आते दिखाई दिए। पुलिस ने उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, परंतु तीनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। अहरौला पुलिस ने उनका पीछा करते हुए उन्हें धर दबोचा और कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी सभी चोरियां कबूल की। पुलिस ने इनके पास से दो कट्टे, 40,000 नगद, चोरी के आभूषण, दो लोहे की रॉड, पर्याप्त मात्रा में चोरी के सिगरेट व दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना अहरौला पुलिस को तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके नाम राम नारायण राजभर थाना अतरौलिया, अजय प्रतापति उर्फ निक्कू थाना तहबरपुर व विक्रम राजभर थाना अहरौला है। इनके कब्जे से दो तमंचा व जिंदा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल, चोरी के करीब 1,25,000 के आभूषण तथा 35,000 रुपये सामान बेच करके कमाए हुए नगद बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ से अज्ञात हुआ कि ये मोटरसाइकिल पर घूमकर रेकी किया करते थे तथा रात में चोरियां किया करते थे। पूछताछ के आधार पर थाना अहरौला व थाना तहबरपुर के चोरी के मुकदमों का अनावरण हुआ है। इनके कब्जे से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वह थाना पौही से चोरी की पाई गई, जिसके संबंध में पूर्व से ही अभियोग पंजीकृत था। समस्त विधिक कार्रवाई पूर्ण कर इन्हें न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इनके विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच